आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गंगा मैया और शिव जी के बारे में बताऊंगी शिव पुराण में कि गंगा माता को शिव जी ने कैसे अपने जटाओं में बांधा था। रघुवंश में भगवान राम के पूर्वज भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरम्भ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। पर उन्होंने भागीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसताल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि कोई भी उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना करना शुरू कर दिया। शिव ने गंगा का गर्व दूर करने के लिए संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न हुए और भागीरथ से वे वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपना सब मनोरथ कहने के बाद उनसे कहा कि मैं गंगा माता को धरती पर लाना चाहता हूँ। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, शिव ने उन्हें अपने जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी और शिव से माफ़ी मांगने लगी। तब शिव ने उसे जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहाँ से गंगा सात धाराओं से प्रवाहित होती है। इसी के साथ यह कथा भी समाप्त होती है। अगली कथा बहुत ही जल्द आएगा।